इतने ठंड के मौसम में भी आपको इतने अच्छे फूल कहां से मिल गए? गायत्री, तुम तो जानती हो, जब भी मैं कोई चीज करने का फैसला कर लेता हूं तो बस उसे करके ही रखता हूं। फूल कैसे हैं? लवली, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी है, सूंघ के देखो। वाकई जितने खूबसूरत फूल हैं उतनी ही अच्छी खुशबू है। हाँ, लेकिन आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? बस यूं ही ढूंढते ढूंढते। अच्छा सुनिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें नीचे जाना है, आज जगराता है। नहीं, गायत्री देखो, हम दोनों बहुत थक गए हैं ना, और फिर कल सुबह जल्दी निकलना है कटरा के लिए। एक काम करते हैं, हम दोनों जल्दी सो जाते हैं। तुम सो जाओ, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। तुम सो जाओ, सो जाओ, ठीक है? वो एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माँ का सजा रहे। जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारे, तुम मंदिर के अंदर हो।
गायत्री 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 मैनेजर साहब यस मिस्टर जम्मा, मेरे कमरे में सांप है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हमारे होटल में सांप कहां से आएगा? मैंने अपनी आंखों से देखा, अब मेरे कमरे से बाहर जाते हैं। आपको धोखा हुआ। अरे मेरी वाइफ को डस लिया उसने, क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट? अब चलिए चलिए मेरे साथ, आप लोग डॉक्टर को फोन कीजिए, चलिए ना। जगरात्रि से लौटने के बाद मैंने एक सांप को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा। गायत्री बेहोश पड़ी हुई, मैंने 3-4 बार आवाज दी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मिस्टर विक्रम, विल चेक इट आउट, कम। अरे यहीं पे तो थी मैनेजर साहब, कहां गई? अरे आप कब आए? तुम कहां चली गई थी? मेरी आंख खुली तो आप कमरे में नहीं थे, मैं तो आपको ढूंढने गई थी, लेकिन आप कहां चले गए थे? इसका मतलब सांप ने तुम्हें नहीं डसा। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई बात तो है, आप इतने परेशान हैं और ये मैनेजर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, छोड़ो ये सब बातें, दर्शन के लिए नहीं जाना तुम्हें? हाँ लेकिन चलो, लेट्स गो। थैंक यू। सुबह सुबह किसका नंबर ढूंढ रहे हो? गायत्री से बात करने का बहुत मन कर रहा था। अरे मैं भी उसे ही याद कर रही थी, अजीब बात है, आज हम दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पर। हो जाता है कभी कभी गलती से। कुछ कहा? ये रहा, मिल गया नंबर।
हेलो। हाँ विक्रम बेटा, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। हाँ मामा जी, कैसे हैं आप? अरे तुम्हारी मामी के रहते हुए मुझे क्या हो सकता है। तुम दोनों खुश हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गायत्री यहीं पे, लीजिए बात कीजिए मामा जी। मामा जी कैसे हैं आप? बेटा तुम्हारी आवाज सुन के बस पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसी हो। मामा जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताइए मामी कहाँ है? कहाँ होंगी बेटा, हमेशा की तरह मेरे पीछे। गायत्री बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामी। दर्शन हुए? नहीं अभी हम लोग कटरा नहीं पहुँचे। अभी तक कटरा नहीं पहुँचे? नहीं मामी, वो इन्हें कुछ काम था इसलिए रात को यहीं रुक गए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मामी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और विक्रम को मेरा प्यार देना। ओके बाय। जी मामी। कामनी, कबीर ने सच ही कहा है, एक घड़ी आधी से पुण्यात, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मंदिर है, प्लीज रोकिए ना। आप चलेंगे? तुम चलो मैं आता हूं। कर लो जितने दर्शन चाहे कर लो, क्या पता ये आखिरी दर्शन है। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी आप ठीक है? गुरुजी मैं अपनी योग विद्या से विक्रम और गायत्री का पता लगा रहा था, पर अचानक तुम्हारे आने से मेरा ध्यान टूट गया और मुझे झटका लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बालक, होनी तो होके रहेगी। गुरुजी आप ये ध्यान फिर से नहीं लगा सकते? नहीं बालक, ये इतना आसान नहीं है। अचानक ध्यान भटकने से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। गुरुजी अब क्या होगा? अब तो देवी माँ ही गायत्री की रक्षा करेगी। क्या हुआ?
पता नहीं, देखता हूं। डीजल तो फुल है। मुझे लगता है गायत्री की बैटरी खराब हो गई है। एक काम करते हैं, तुम गाड़ी चला लो, मैं धक्का मारता हूँ। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। गायत्री, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं सिखा देता हूँ ना। आओ। आप चलाइए ना, मैं धक्का मार देती हूँ। गायत्री, इतनी बड़ी गाड़ी तुम धक्का मारोगी? कमर कमर, जल्दी करो। लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। चलो चलो चलो, जल्दी करो, कचरा बहुत दूर है। वेरी गुड, सारी संभालो। ओके, अच्छा सुनो, अभी ध्यान से बाएं तरफ जो पेडल है ना, उसे दबा के रखना, ठीक है? हाँ, ये वाला। ओके, मैं पीछे जाके धक्का मारूंगा, थोड़ी देर के बाद झटके से उस पेडल को छोड़ देना, ठीक है? और उसी समय दाहिने तरफ जो पेडल है ना, छोटा वाला, उसे फुल दबा के रखना, ठीक है? उसे किसी भी हालत में मत छोड़ना, ओके? और बीच में जो पेडल है ना, उस पे बिल्कुल पाँव मत रखना, वो एक्सेलरेटर है, ठीक है? ओके, बाय। Okay.